नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता विमर्श और मैं हूं किरण राय। ऐतिहासिक रूप से 1 जनवरी बहुत खास है। आज ही के दिन 1959 में एक शख्स जिसे मिटाने में अमेरिका नाकाम रहा, उसी ने गुरिला सैनिकों के साथ मिलकर क्यूबा के तानाशाह बतिस्ता की सत्ता को ख़त्म कर दिया था। नाम था फिदेल कास्त्रो। कास्त्रो ने इसके बाद क्यूबा में एक नए युग की शुरुआत की थी। 1953 से 1959 के दौरान फिदेल जब बतिस्ता के खिलाफ लड़ रहे थे तो अमेरिका उनकी मदद करता रहा। अमेरिकी अखबारों में उनके इंटरव्यू छपते रहे, लेकिन जब उन्होंने सत्ता संभाली तो कम्युनिस्ट थे। सोवियत संघ के साथ उनके रिश्ते बेहतर होते गए और जब वहाँ बने तो यहाँ ख़राब हुए, अमेरिका के साथ ख़राब होते गए। इतने ख़राब कि 55 साल तक कोई अमेरिकी राष्ट्रपति क्यूबा नहीं गया। 2015 में पहली बार जब बराक ओबामा क्यूबा गए, तब तक क्यूबा में फिदेल की जगह उनके भाई राउल सत्ता संभाल रहे थे। फिदेल 2006 तक क्यूबा की सत्ता के शीर्ष पर रहे, वहीं उनके बाद उनके भाई राउल 12 साल तक क्यूबा के राष्ट्रपति रहे। राउल आज भी क्यूबा पर राज करने वाली कम्युनिस्ट पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। आइए हम थोड़ा सा कास्त्रो की शख्सियत को समझने का प्रयास करते हैं। उनके परिवेश को, जिस परिवेश में वो पले बढ़े, जो उनको मिला, उसको समझते हैं। 1890 के दशक में स्पेन अमेरिका के बीच हुए युद्ध के दौरान एक सैनिक क्यूबा आया। युद्ध के बाद दोबारा लौटा तो क्यूबा का ही होकर रह गया। यहीं गन्ने की खेती करते करते एक बड़ा जमींदार बन गया। शादी के बाद 9 बच्चे हुए, उनमें से एक का नाम था फिदेल। फिदेल जिन्होंने क्यूबा के तानाशाह, जैसा हमने बताया, बतिस्ता के जुर्म के खिलाफ 26 जुलाई 1953 को भाई राउल समेत मुट्ठी भर लोगों और गिने चुने हथियारों की मदद से बगावत कर दी। वही फिदेल जो आगे चलकर अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन बने। वही फिदेल जिन्होंने क्यूबा पर आधी सदी तक राज किया। वही फिदेल जिन्होंने पूंजीवादी अमेरिका की नाक के नीचे समाजवादी सत्ता स्थापित की। वही फिदेल जिन्हें अमेरिका ने 60 साल में 600 से ज़्यादा बार मारने की नाकाम कोशिश की। कास्त्रो का इतिहास हमें बताता है कि कैसे मुट्ठी बंधी हो तो बड़े बड़ों को नाको चने चबवा सकती है। मुट्ठी बंधी यानी लोग एकजुट रहे। तो आज भारत के संदर्भ में आप इसे कैसे समझते हैं, बताइएगा ज़रूर। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते और सुनते रहिए सत्ता विमर्श।